आज आया सवेरे सवेरे ये कौन आज आया सवेरे सवेरे के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे ओम शांति ओम शांति। आज की तारीख है 13/10/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है जिस बात से मेरा जीवन बना, जिस बात ने मेरे अंदर इतनी सारी धारणाएं जो बाबा ने बताई है, जो श्रीमत बाबा कहते हैं उनका पालन करने में मैं काफी हद तक विजयी बनी हूँ। तो इसीलिए ऐसा विजयी बनाने वाले बाप दादा ने जो आज बात बताई है, जिस बात का चित्र बना और उसका कैलेंडर बना और उस कैलेंडर ने मेरा जीवन का परिवर्तन कर डाला, और वो चित्र था मेरा हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल, और फिर उसमें एडिशन है डू नो इविल और थिंक नो इविल। तो आज मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, हेडिंग बता रहे हैं, मीठे बच्चे हियर नो इविल, अर्थात एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है आज का, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं। उत्तर है, खेल कौन सा, खेल में क्या होता है, खेल में विजय भी होती है तो हार भी होती है, पराजय भी होता है, खेल में सुख भी होता है दुख भी होता है, खेल में गिरना भी होता है, गिर करके फिर उठना होता है, उठ करके चलना और दौड़ना होता है, खेल में जंप भी लगाते हैं, खेल में कमजोरी भी आती, जंप नहीं भी लगा सकते, तो विविध प्रकार के अनुभव खेल के अंदर आते रहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि यह सृष्टि रूपी ड्रामा, तो ये ड्रामा माना क्या, यह भी तो एक खेल है। तो दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो ये खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी भी मूंझते नहीं, कंफ्यूज नहीं होते। तुम जानते हो भगवान किसी को भी दुख नहीं देता, क्यों, जबकि लौकिक पिता माता पिता भी अपने लौकिक बच्चों को दुख देने का संकल्प तक भी नहीं करते, उन्हें विचार भी नहीं आता, तो यह तो परमपिता परमात्मा है। पिताओं के भी पिता हैं, दुख हरता सुख करता है, सभी उसको दुख में याद करते हैं दुखों से मुक्त होने के लिए, तो वो दुख कैसे दे सकते हैं। तो तुम जानते हो भगवान किसी को भी दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। तो बेहद की सुबह माना अमृत वेला, अमृत वेला माना संगम युग, तो ये संगम युग की अमृत वेला में सवेरे सवेरे कौन आ गया, स्वयं परमपिता परमात्मा आ गए। तो ये आत्मा चौंक उठी, आत्मा आश्चर्य में खुशी में जैसे कि चौंक उठी कि अरे प्रभु आए, मैं भक्ति मार्ग से लेकर उनको पुकारती आई, सचमुच प्रभु मेरे लिए धरती पर आ गए। तो गीत हमें बहुत अच्छे अर्थ भावों को व्यक्त करता हुआ बजा है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है।
कई ऐसे होते हैं जो कोई बात के लिए इतना हम बच्चों से भी वाद विवाद करते हैं कि नहीं भगवान ऐसा है, नहीं भगवान वैसा है, शास्त्रों में ये लिखा है, वो लिखा है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि वाद विवाद नहीं करना है, शांति से प्रेम से उसको समझाना है और बाप के ऊपर पहले निश्चय बिठा देना है। जब बाप के ऊपर निश्चय बैठ जाएगा तो वाद विवाद ऑटोमेटिकली उसका बंद हो जाएगा। दूसरी बात है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में ही रहना है। आज का वरदान है, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। कैसे कराएंगे? हम उनको देखेंगे तो आत्मिक भाव से, आत्मिक वृत्ति से, दृष्टि से, फिर हम जब उनसे बोलेंगे तो मीठे बोल बोलेंगे, ज्ञान की वाणी सुनाएंगे, बाबा की बातें बताएंगे और कर्म भी जो करेंगे वो सुखदायी करेंगे। तो क्या होगा कि ये बातें उनको सुनाने से, दिखाने से उनको बाप की शक्तियों का और हमने भी जो योग बल से शक्तियां धारण की है उसका अनुभव आएगा। तो बाबा कहते हैं, जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करे। हमारी कर्मणा में भी, हमारी दृष्टि में, हमारे बोल में, हमारे चेहरे पर इतनी धारणाएं हो कि उनको हमारा चेहरा दर्पण की तरह नजर आए और उस दर्पण के अंदर उन्हें अपना स्वरूप दिखाई पड़े और जैसे बाबा कहते हैं ऐसे उन्हें रूहानियत का अनुभव हो। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को क्या करना पड़े, कौन सी धारणा करनी पड़े? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। हाँ, व्रत जब कोई लेता है तो उसे तोड़ते नहीं है, तो हमें भी ऐसा व्रत लेना है अर्थात दृढ़ता के साथ बाबा की यह श्री मत का हमें पालन करना है। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। स्लोगन है बाप और सर्व की दुआओं के, देखो बाबा क्या कहते, उड़ा रहे हैं बाबा, देखो हाँ, उड़ाकर हमें कहाँ ले चलते हैं, ऊंचे ऊंचे एकदम ऊंचाई पर। बाबा कहते हैं, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले वही उड़ता योगी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।